दी नेवेजो नेशन एक नेटिव अमेरिकन टेरिटरी जो 71,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है। ये नेशन नॉर्थ ईस्टर्न एरिजोना, नॉर्थ वेस्टर्न न्यू मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ ईस्टर्न यूटा के कुछ पोर्शन को भी ऑक्यूपाई करता है। यहाँ रहने वाले नेटिव अमेरिकन्स और यहाँ आने जाने वाले लोगों का सामना एक ऐसी एंटिटी से होता है जो बेहद रहस्यमयी है। इन्हें स्किन वॉकर्स कहा जाता है। ये नेवेजो कल्चर के ऐसे लोग हैं जिन्होंने विचक्राफ्ट या फिर डार्क रिचुअल्स के जरिए कई सुपरनेचुरल पावर्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन ये इन शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। स्किन वॉकर्स के पास अपनी इच्छा से किसी भी जानवर का रूप लेने की शक्ति होती है। ये आमतौर पर भेड़ियों का रूप लेते हैं, लेकिन अगर ये चाहें तो आपके पहचान के किसी भी व्यक्ति का रूप ले सकते हैं। माना जाता है अगर आप इनकी आंखों में देखें तो ये आपके अंदर प्रवेश करके आपके शरीर का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले सकते हैं। दोस्तों, शायद स्किन वॉकर्स पर यूनाइटेड स्टेट्स के ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं क्योंकि लोगों का सामना अक्सर इनसे होता रहा है। नेवेजो नेशन में रहने वाले हर 4 लोगों में से 3 ने स्किन वॉकर्स को देखा है। वैसे तो इनका ओरिजिन नेवेजो नेशन को बताया गया है, लेकिन इनकी साइटिंग्स लगभग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में होती हैं। दोस्तों, स्किन वॉकर्स को अक्सर ग्रेवयार्ड्स के करीब रहने वाला माना जाता है क्योंकि इनके डार्क रिचुअल्स के लिए वही जगह सबसे सुइटेबल होती है। इनका एक और ठिकाना है जो अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स के यूटा में स्थित बैलार्ड सिटी में एक 512 एकड़ की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी यहाँ घटने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। यहाँ UFO एक्टिविटीज बहुत कॉमन है। साथ ही माना जाता है कि इस इलाके में स्किन वॉकर्स का कब्जा है। इस इलाके को स्किन वॉकर रैंच कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी के ओनर यो 1934 से 1994 तक कीनेथ और एडिथ मायर्स थे, लेकिन 1994 में उन्होंने ये प्रॉपर्टी बेहद सस्ते दामों में टेरी और ग्वेन शर्मन को बेच दी। शर्मन कैटल ब्रीड करते थे और उन्हें एक ऐसी ही प्रॉपर्टी की जरूरत थी। रहा सवाल पैरानॉर्मल स्टोरीज का, तो शर्मन इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगा कि उन्हें अपना ड्रीम होम मिल गया है जहां वो अच्छी तरह कैटल ब्रीडिंग करके जल्द ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। शर्मन फैमिली घर पहुंची तो वो बहुत खुश थे। वो लोग घर के बाहर खड़े होकर वहां की खूबसूरती देख रहे थे। ओपन फील्ड्स में आसमान साफ दिख रहा था, साथ ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी उनकी नजर एक जीप पर पड़ी। लगभग 100 यार्ड्स की दूरी पर एक भेड़िया खड़ा था। आश्चर्य की बात यह थी कि उसका आकार किसी भी भेड़िए से लगभग 3 गुना बड़ा था। टेरी को उसका बर्ताव भी काफी अजीब लग रहा था क्योंकि वो भेड़िया बिना किसी अग्रेशन के उनके पास इस तरह आ रहा था जैसे वो कोई पालतू भेड़िया हो। वो उनके पास आया। टेरी की लंबाई 6 फीट थी, लेकिन वो भेड़िया आराम से टेरी के शोल्डर से ऊंचा था। उसने एक गहरी सांस ली और टेरी के परिवार को देखा। इसके बाद वो कैटल्स के पास चला गया। जल्द ही उस भेड़िए ने एक गाय के बछड़े की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। शर्मन फैमिली घबराई। टेरी ने तुरंत अपनी शॉटगन निकाली और भेड़िए पर फायर कर दिया। अब टेरी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि गोली का उस भेड़िए पर कोई असर ही नहीं हुआ, ना ही कोई घाव और ना ही खून की एक बूंद। टेरी ने फिर गोली चलाई। भेड़िया फैमिली को परेशान देखकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। अब टेरी ने अपने लड़के से राइफल लाने को कहा। कुछ ही सेकंड्स बाद टेरी ने भेड़िए पर राइफल से वार किया, लेकिन उस भेड़िए को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो भेड़िया पलटा और जंगल की तरफ जाने लगा। टेरी ने उस भेड़िए का पीछा किया तो वो एक ओपन एरिया में पहुंचा। ये एक नदी का किनारा था जहां गीली मिट्टी में उस भेड़िए के पैर के निशान पड़े हुए थे। टेरी ने उन्हें फॉलो किया और वो हैरान रह गए। नदी से 50 फीट दूर तक वो निशान मौजूद थे, लेकिन उसके बाद कोई निशान नहीं था, जैसे वो भेड़िया हवा में गायब हो गया हो। अब शर्मन फैमिली के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी। टेरी की वाइफ मार्केट से सामान लाकर उन्हें अनपैक करती और कुछ सेकेंड्स बाद देखती
तो सामान वापस पहले जैसा पैक मिलता। कभी घर से चीजें गायब हो जाती और कुछ दिनों बाद किसी अजीब जगह पर मिलती। टेरी को रात में अजीब एयरक्राफ्ट दिखाई देते जो उनके फार्म के ऊपर मंडराते और पास जाते ही ऊपर उठते और गायब हो जाते। समय बीतता गया और हर रात ऐसी ही स्ट्रेंज एक्टिविटीज होती रही। शमन फैमिली के 14 कैटल्स की जान चली गई और धीरे धीरे वो बैंक्रप्ट भी हो गए। मीडिया में रैंच की रिपोर्ट्स आने लगी। तभी एक अमीर बिजनेसमैन रॉबर्ट बिगलो ने इस रैंच को खरीद लिया और एक साइंटिफिक टीम से इस इलाके की जांच करवाई। इसके बाद दुनिया भर से लोगों ने इस रैंच पर जाके इन्वेस्टिगेशन किए और उनके साथ भी कई स्ट्रेंज एक्टिविटीज हुई। माना जाता है आज भी इस रैंच पर स्किन वॉकर्स का कब्जा है और अगर कोई बिना परमिशन यहाँ खुदाई करवाता है तो मुसीबत में पड़ जाता है। दोस्तों, अमेरिका में पास्ट में स्किन वॉकर्स का इतना खौफ होता था कि लोग उनका नाम लेने से भी डरते थे। लोगों का मानना है कि अगर उनका नाम लिया जाए तो वो आपके पास अट्रैक्ट होने लगते हैं। यूर 1980 न्यू मैक्सिको के कोलाराडो में रहने वाले नुआ बचपन से ही नेवेजू कल्चर और स्किन वॉकर्स की कहानियां सुनते आए थे। उन्हें इस तरह के किसी भी क्रीचर पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि उनके आसपास के लोग अंधविश्वासी हैं और बेवजह कहानियां बनाते हैं। कॉलेज से पास आउट होने के बाद नुआ अपने दोस्तों से मिले और उन सब ने सैन जुआन रिवर के पास कैंप करने का फैसला किया। ये लोग विल्डरनेस की तरफ निकल पड़े। इनका इरादा रात के समय कैंप करने, कुछ बियर पीने और इंजॉय करने का था। सब रिवर के पास पहुंचे और उन्होंने अपना कैंप सेटअप किया। शाम का समय हो गया था। नुआ फिशिंग कर रहे थे और ग्रुप में मौजूद जूलिया आसपास के इलाके को एक्सप्लोर कर रही थी। मछली पकड़ने के बाद नुआ और जूलिया बाकी दोस्तों के पास पहुंचे और आग जलाई। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे को स्किन वॉकर्स की कहानियां सुना रहे थे। ग्रुप में मौजूद लगभग सभी लोग स्किन वॉकर्स पर विश्वास करते थे क्योंकि उनके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। नुआ इन बातों से बोर हो गए और अकेले ही जंगल की तरफ निकल गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद नदी के उस पार उन्हें कुछ अजीब दृश्य दिखाई दिया। वहां कुछ महिलाएं आग के चारों ओर घूमकर कोई खास रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। नुआ को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को इस जंगल में इतनी महिलाएं अकेली क्या कर रही हैं। कुछ देर उन्हें देखने के बाद नुआ वहां से आगे बढ़े। उन्हें ऐसा लगा जैसे जंगल में कोई ब्लो टॉर्च लेकर उनके सामने से गुजरा है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक ओपन एरिया नजर आया जहां आग जल रही थी। नुआ को दिखाई दिया कि आग के पास एक लड़की भी खड़ी है। नुआ ने जब पास जाकर देखा तो वो उनकी दोस्त जूलिया थी जो आग के सामने अकेली खड़ी हुई अजीब हरकतें कर रही थी। नुआ को लगा जैसे वो उन्हें अपने पास बुला रही हो। नुआ को ये सब बेहद अजीब सा लग रहा था क्योंकि जूलिया काफी डरती थी और वो इस जंगल में इतनी दूर अकेले आखिर वहां कैसे जा सकती थी। साथ ही जूलिया की ड्रेस भी अलग थी। उन्हें लगने लगा जैसे उनके दोस्तों ने उनके साथ कोई प्रैंक किया है। नुआ ने इस प्रैंक को फेल करने के लिए जूलिया से बिना बात किए ही वापस जाना शुरू कर दिया। रास्ते में उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और जब वो पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे तो सारे दोस्त उसी जगह पर मौजूद थे। उन्होंने अपने दोस्तों को यह सब बताया। दोस्तों ने उनसे बस एक ही बात कही कि उनका सामना एक स्किन वॉकर से हुआ है और उन्होंने उससे इंटरेक्ट ना करके बहुत अच्छा किया, शायद इसीलिए उनकी जान बच गई। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।